इस वीडियो में हम लोग जो जनरल पॉलिटिक के क्वेश्चन को कवर करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन देखते हैं, मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था को किसके उधार लिया गया है? तो किसे उधार? फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 161 किसके बारे में बताया गया है? जो अनुच्छेद 161 है यह किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो राज्यपाल की क्षमा शक्ति के बारे में बताया गया है 161 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान प्रदान करता है? भाग 17, भाग 14, भाग 16, भाग 15। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो भाग 16 है यह भारत संविधान का यह कुछ वर्गों के विशेष प्रावधानों का विवरण करता है, भाग 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? सीजी राय, एनएम राय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एम एन राव ने संविधान सभा के विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्यसभा का कार्य है? संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व, कानून बनाने के लिए बिल शुरू करना, लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों को समीक्षा, परिवर्तन, उपयोग सभी। तो आपका ऑप्शन ये तीनों कथन सत्य दिया गया है, तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कब अपनाया गया? 21 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 27 जून 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 317, इनमें से कोई नहीं। तो आपका अनुच्छेद 315 यह संघ के लिए लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, 315 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? करनाल, हिसार, अंडन, जयपुर। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो करनाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या? सार्वजनिक महत्वों के अति आवश्यक विषय पर चर्चा, विपक्ष में मंत्रियों से जानकारी लेने की कोशिश, अनुदान की राशियों की कमी की मांग करना, कुछ सदस्यों के हिंसक व्यापार पर रोक लगाने की मांग करना। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक विषय पर चर्चा करना, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 111। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो अनुच्छेद 123 है यह राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का प्रदान करता है।